बोल बातों वाली भाई, आप कौन सा नया शगुफा छोड़ने वाली है तू? मिलना चाहते हैं तुमसे। अरे वाह, लगता है आग दोनों जगह बराबर की लगी है। तू भी मेरे बारे में सोच रही है और मैं भी तेरे बारे में सोच रही हूँ। तेरी लाइफ का वन ट्रैक एजेंडा यही है कि तू किस तरीके से चिंगारी संगठन का सफाया करे, और मेरी लाइफ का इकलौता मकसद यही है कि किस तरीके से मैं चिंगारी संगठन को तेरी परछाई से दूर रखूं। क्या कमाल का रिश्ता है ना हम दोनों का, एक दूसरे की कद्र भी करते हैं और एक दूसरे की कब्र भी खोदते हैं। ये तो शराब की खुशबू है। बोल, क्यों मिलना चाहती है मुझसे? क्या बात करनी है? वही जो तुम और तुम्हारा चिंगारी गैंग एकदम फटाफट जल्दी इंस्टेंटली देने का वादा करता है, इंसाफ। अरे वाह, इंसाफ की देवी को चिंगारी गैंग से इंसाफ चाहिए? नहीं नहीं, हम तो बस आजमाना चाहते हैं तुम्हें, देखना चाहते हैं कि तुम्हारे इंसाफ वाली बात में सच्चाई है या बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सब कुछ। तो ठीक है, फिर खुद ही आकर देख ले कि यहाँ पर क्या होता है। और वैसे भी इंसाफ मांगने वालों के लिए चिंगारी गैंग के दरवाजे हमेशा से खुले हैं, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। आ जा, इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा, साथ में चाय पीते हैं। ताई, ये देखो, ये शराब की बोतल यहाँ क्या कर रही है बिन्नी? अरे बताऊँ तेरी अभी? अब जितना चाहे उतना मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू अंदर, हमें सिकंदर। कोई मुझे बताएगा कि शराब की बोतल यहाँ पर कैसे आई? रताई, ये पतली गली से कहाँ निकल रही है? बता, जीजी कुछ पूछ रही है थारे से। सर्दी बहुत है ना बाहर। हाँ तो? तो बस यूं ही, अरे घर में वो दवा दारू रखनी पड़ती है ना सर्दी जुकाम के लिए, तो बस वो दवाई समझ लो। कभी कभी सर्दी बाहर बहुत ज्यादा होती है ना, तो बस एक छोटा सा ढक्कन। हाँ दीदी, यो देख लो, ढक्कन भी कितना छोटा छोटा है। बिन्नी। हाँ जी जी, समझ गई, चल अंदर चल। आखिर चल क्या रहा है इस बातों वाली बाई के दिमाग में? ये तो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, करिश्मा सिंह। ओहो 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 ओहो, जो पहने आशा की बैंगल, बदल जाए श्रृंगार का एंगल, चल कर चूड़िया, अरे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। आशा हो ना? युकी, हिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं हमको, पर सोचने की बात ये है कि भला आपको हमसे क्या काम हो सकता है? तुम भी बदनाम कितने हिंदी कलाकारों की आवाज निकालती हो। हम महिला पुलिस थाना से आए हैं, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ। महिला थाना? महिला जो मेरे भाई बदनाम की चाय की दुकान के सामने खुला है? नहीं, वही थाना जिसके सामने बदनाम की चाय की दुकान खुली है। अरे हाँ, वही जिसकी वजह से आपका थाना चलता है ना? नहीं, वो थाना जिसकी वजह से बदनाम की चाय की दुकान चलती है, समझ गई? हाँ तो भाई की सलाह के बिना तो आप लोग मच्छर भी नहीं पकड़ सकते ना, और उसकी सलाह के बिना तो आप लोगों का एक भी केस सॉल्व नहीं होता है ना? ये भी बदनाम नहीं कहा? हाँ, मेरा भाई है तो मुझे बताएगा ना, आप लोग को तो नहीं बताएगा, है कि नहीं? कंगना, जाहिर सी बात है कि उसी ने बताया होगा, बहुत बढ़िया। चलो मुद्दे पर आ जाते हैं। हमें पता चला है कि बाकी औरतों की तरह तुम भी अपने पति की शराब की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो। उनके शराब की आदत की वजह से तुम्हारे घर में बहुत संकट आ गया है, बहुत परेशानियां चल रही है, ये बात सच है? नहीं, मेरा मतलब है नहीं, पहले फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था। दिन भर रेहड़ी पर काम करके थके हारे घर आते थे और थोड़ी बहुत शराब पीकर सो जाया करते थे, पर जब से चिंगारी गैंग ने शराब बंदी की है, अरे 150-200 रुपए की शराब 700-800 रुपए में बिकने लगी है। बताओ, अब इनकी सारी कमाई तो ब्लैक की शराब खरीदने में चली जाती है, घर का सामान बेच बेच कर शराब पीने लगे। मेरे तो स्टील लाइफ खराब हो गई कि मैं क्या बताऊं। एक मिनट, इसीलिए आए हैं तुम्हारे पास, तुम चलो हमारे साथ वो शिवानी ताई के पास और उसको बताओ कि शराब बंदी करके उसने कितने घर खराब कर दिए हैं।
उसको बोलो कि अपना वो फरमान वापस ले ताकि घर बेकार होने से बच जाए। चलो हमारे साथ। चलो। नहीं नहीं, मैं चिंगारी गैंग के पास नहीं जाऊंगी। मेरी प्रॉब्लम सुनने की बजाय वो मेरे ही पति को पीटेंगी। देखो हम तुमको विश्वास दिलाते हैं, हम ऐसा एक करिश्मा सिंह हैं, हम तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने देंगे, वचन देते हैं। देखो एक तुम्हारा ही पति नहीं है जो इस वजह से परेशान है, और कितनों के पति है, अब किस किस के पति को पीटती फिरेगी वो। मुद्दा तो शिवानी ताई को सच्चाई का आईना दिखाने का है ना, तो फिर भरोसा करो हम पर, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पति को, समझो हमारी बात को। तुम अभी अपने बारे में सोचो, और तुम्हारी तरह जितनी औरतें परेशान है अपने पति की शराब के पीने की आदत की वजह से, उन सबको बचाओ, उन सबकी मदद करो। तुम करोगी मदद? युकि ठीक है, हम करेंगे आपकी मदद। डार्लिंग, हमारे लल्ला का नाम डार्लिंग करके सेव किया है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, हम तो एकदम ठीक है, क्यों लग तो नहीं रही? कुछ छुपा रही है क्या हमसे? अरे मैडम सर, आप भी कहाँ छुपाएंगे आपसे, कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं। ये फोन लल्ला का ही है ना? और कौन हो सकता है मैडम सर, इनकी जीवन में लल्ला के अलावा और कौन डार्लिंग हो सकता है? उठाइए फिर, उठाइए, हमें बात करनी है। पूछ लेना काला के बारे में, उनके हाल चाल जान ले। हाँ उठाइए ना, मैडम सर भी तो बात कर लेगी। हाँ। तो पहचानता है ना मैडम सर को, उठाइए उठाइए जी। हेलो डार्लिंग पतिदेव। नहीं नहीं, वो सब बाद में, पहले आप जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। वो मैडम सर और पुष्पा जी आपसे बात करना चाह रही हैं, वो स्पीकर पर डाल रहे हैं हम फोन को, ठीक है? बात कीजिए आप। हेलो हेलो करिए सबको। हेलो कैसे हैं आप? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो लल्ला, हाँ हम अम्मा बोल रहे हैं। अरे मैडम से भी बात करना चाहती, बात करो, हेलो कहो ना, कहो कहो कहो। हेलो, हाँ वो नेटवर्क नहीं है ना, यहाँ हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ता है अच्छे से, तो इसलिए आवाज नहीं आ रहा उनका। वापस लगाइए। वापस लगाइए, हमें उनसे बात करनी है। जी जी। लगता समझ गए कि बात करने का फायदा ही नहीं है ना, नेटवर्क नहीं होता, तो फिर बाद में तसल्ली से बात करवाते हैं आपसे, ठीक है? ठीक, जय हिंद। चल रहा है करिश्मा सिंह के साथ जिसका हमें पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले शिवानी से मिलना जरूरी है। बेटा, मेरी दुकान पर हमारे ही मोहल्ला के दबंगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। वो एक ही दुकान मेरे जीने का सहारा है, अगर वो दुकान चली जाएगी तो मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। मेरी मदद करो बेटा। तू चिंता न को कर उस्ताई, रड़ू न कोस, वो दुकान तेरी थी और तेरी ही रहेगी। कल से उस दुकान के गल्ले पर तू बैठेगी, और आज से ना ही तुझ पर या तेरी उस दुकान पर कोई भी आंख उठा कर देखेगा। शिवानी की जबान। हो जाएगा जीजी, सूरज ढलने से पहले इसकी दुकान इसके पास, और जिसने भी इसकी दुकान हड़पने की कोशिश की है वो सारे अस्पताल। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अरे कमाल है, किसी ने अब तक चाय पानी नहीं पूछा। अरे खुद सरकार चलकर आई है हमारे गरीब खाने में, कोई तो कदर कर लो इन वर्दी पहनने वालों की, बड़े खून पसीने के बाद मिलती है ये खाकी। शुक्रिया,
बोल S.H.O हसीना मलिक, ये चिंगारी संगठन तेरी कैसे मदद कर सकती है? तो ये आशा है शिवानी, ये उन औरतों में से एक है जो तुम्हारे इस अचानक से लिए हुए शराबबंदी के फैसले से बहुत ज्यादा परेशान है। इसके जैसी न जाने और कितनी औरतें हैं जिनके पास ना बच्चों के देने की स्कूल की फीस है और ना ही पेट भर खाने के पैसे, और तुमने जो ये अचानक से शराबबंदी का फैसला ले लिया है, इससे तो अब इनकी हालत सड़क पर आने जैसी हो गई है। तुम समझ नहीं रही हो शिवानी, तुमने तो फैसला ले लिया, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से जो लोग नकली शराब बनाने का काला धंधा करते हैं उन्हें तो मौका मिल गया ना। उन्होंने तो नकली शराब बनाना शुरू कर दिया, दो गुने चौगुने पैसे देकर रेट बढ़ाकर उसे बेचना शुरू कर दिया, और लत से मजबूर लोग इस जाल में फंसते जा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस एक फैसले से कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, कितने लोगों को परेशानी हो रही है, और वो परेशानी बढ़ती जा रही है, और इसी परेशानी का जवाब मांगने आज आई है। यकीन नहीं हो रहा है कि हसीना मलिक ये कह रही है। इस समाज की सबसे बड़ी बुराई शराब की पैरवी कर रही है। जहर होती है ये शराब, जस्ट पातो वाली बाई, जो धीरे धीरे इस समाज की जड़ों में फैलकर इस समाज को अपाहिज बना रही है। और तू कहती है कि हमने शराब पर पाबंदी लगाकर गलती की। शिवानी, हर काम करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर किसी बीमारी को ठीक करना है तो पहले लोगों को जागृत किया जाता है। इस तरह से उस परेशानी पर तेजाब फेंक कर नासूर नहीं बनाया जाता। शराबबंदी का फैसला लेने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए। कहीं ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए, कहीं फायदा करने की बजाय हम लोगों का नुकसान ना कर दें। उसके कॉन्सिक्वेंसेस सही गलत सब कुछ चेक करने पड़ते हैं। हम तुम्हारी शराबबंदी के फैसले के खिलाफ नहीं है। इस तरीके से जो तुमने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, हम उसके खिलाफ है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.